अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूँ जुनैरा खालिद और मैं हूँ नवीद निजामी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात की जानी बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की, जिनका मेंटल हॉस्पिटल की कैंटीन पर छापा। मेंटल हॉस्पिटल में मरीजों को खिलाए जाने वाले खाने की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान कैंटीन से मुजरे सेहत गोश्त भी बरामद कर लिया गया। अहम खबर है जिसके वाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की जानिब से मेंटल हॉस्पिटल की कैंटीन का दौरा किया गया, जहां पर मुजरे सेहत गोश्त उनको मिला और यह कार्रवाई की गई है। उनकी जानिब से इस कैंटीन को भी सील कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का मेंटल हॉस्पिटल की कैंटीन पर छापा। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फरहान खालिद से। फरहान खालिद, बताइएगा सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने छापा मारा है। आज सुबह बिलाल यासीन जो सुबह वजीर खुराक है, उन्होंने पंजाब फूड अथॉरिटी के हमरा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल डिपार्टमेंट की जो कैंटीन है, जहाँ पर मरीजों के लिए खाना तैयार किया जाता था, वहाँ पर छापा मारा है। और वहाँ पर 120 किलोग्राम जो गैर मयारी गोश्त था, जो कि खराब था और बीमार जानवर का गोश्त था, उसको वहाँ पर उन्होंने तलब कर दिया है। आज सुबह जो है वो उनके साथ इस टीम के अंदर छापामार टीम में जो है वो PG फूड अथॉरिटी दुरुल अमीन मेंगल भी मौजूद है। उनका ये कहना था कि काफी अर्से से यहाँ पर जो मरीज है उन लोग गैर मयारी गोश्त खिलाया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर वो मरीज पाए जाते हैं जो कि अपनी बीमारी भी सही तरह से नहीं बता सकते। तकरीबन उनका ये कहना था कि इस अस्पताल के अंदर 1500 के करीब जो है मरीज यहाँ मौजूद है, जिनको खराब और गैर मयारी खाना खिलाया जा रहा है। और इस मौके पर वहाँ पर कोई अथॉरिटी भी मौजूद नहीं थी, वहाँ पर कोई मुतलका अफसरान भी मौजूद नहीं थे, जिसके खिलाफ जो है बिलाल यासीन ने सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जितने भी इसके अंदर वाकये के अंदर जो मुलविस पाए गए, उस गैर मयारी और घिनौने काम के अंदर जितने भी लोग मुलविस पाए गए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। 1500 मरीजों को गैर मयारी खाना फराहम किया जा रहा था। शुक्रिया फरहान खालिद अपडेट करने के लिए।